ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस हम कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका यूज करने वाले हैं, जिसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। बस गाइस, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, बाकी सारा प्रोसेस जो है मैं आपको एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए, आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। बस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, या फिर आप इसको जो है मतलब इजीली आप ले भी सकते हो, आपको पिक्सआर्ट में मिल जाएगा येलो कलर का बैकग्राउंड। देन आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को यहाँ से अपने ऐड करना अपने मॉडल को, एंड यहाँ पर जैसे ही आप अपने मॉडल को ऐड करोगे आप लोगों को हाइट वगैरह जो है कितनी रखनी है मैं बता देता हूँ। आपको जो हाइट यहाँ पर कुछ इस टाइप से इतनी रख लेनी है, ठीक है, मतलब इतनी नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इतना हाइट रख देना आपको अपने मॉडल का। एंड जैसे आप इतना हाइट रख दोगे अपने मॉडल का, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसे कि मेरे मॉडल के इसमें शेडो जो है ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर शेडो पर जाऊँगा एंड इसका जो शेडो है इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। एंड जैसे मैं शेडो इंक्रीज करूँगा कुछ इस टाइप से हमारी फोटो बन जाएगी। देन हम करेंगे डन, एंड ऐड कर डन कर देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से चलेंगे हम ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे एक ब्रोकन ग्लास का पीएनजी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे एंड इसको कर देंगे हम स्क्रीन, एंड स्क्रीन कर देने के बाद हम जो साइज़ है कुछ इतना इस टाइप से रखेंगे। एंड यहाँ पे जो आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी जो दोनों आई है ना वो दोनों दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कर लेनी है, जैसे मर्जी आप देख लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड आपको इसको दोनों आई आप किस लिए दिखनी चाहिए, क्योंकि हम आई के अंदर जो है एक पीएनजी लगाएंगे जो कि आई के लिए होगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या मतलब कैसे लगाना है सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहो वीडियो को। आप सभी को करना क्या क्या है इसमें बता देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे मॉडल ऐड करोगे, देन उसके बाद आप सभी को यहाँ पे थोड़ा इरेजर टूल में जाना है, एंड इरेजर टूल में जाने के बाद आपको उसके हार्डनेस को फुल कर देना है, थोड़ा सा हल्का सा जो है यहाँ से इरेज कर देना, ताकि जो दूसरी वाली आई है वो भी विजिबल हो जाए। देन उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी फोटो को जो सिंपली डन कर देना है, एंड डन कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को चले जाना है यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इसमें जाने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप लोगों को सिंपली चले जाना है एफएक्स वाला ऑप्शन में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देन आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर नॉइस मिल जाएगा, आपको नॉइस के ऊपर क्लिक करना है, एंड नॉइस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर इसको नॉइस बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसको जैसे आप इसको बढ़ाओगे आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे चले जाना है इरेजर टूल में, एंड इरेजर टूल में जाने के बाद आप सबको जो कुछ एरिया इरेज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं इन्वर्ट कर देता हूँ उसको बिल्कुल। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इस ब्रश पे क्लिक करना है, हार्ड से फुल कर देना है, एंड जितना भी मतलब आपकी जो ब्रोकन ग्लास है ना इसके बाहर का जितना भी एरिया है सबको फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। इतना हो जाने के बाद गाइज आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से ऐड करना आप सभी को आई का पीएनजी, जो कि मतलब कि यहाँ पे ये लाइट है जो कि आई आपको आई के ऊपर लगाना, आई लेंस कह सकते हो आप इसको, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है एडजस्टमेंट में, ठीक है, एंड जो इसका ह्यू जो है आपको कर देना ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर में कर देना यहाँ पे कुछ इस टाइप से। देन उसके बाद आपको डन करना है, एंड उसको चले जाना आपको ब्लेंडिंग मोड में, एंड ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे हम ब्लेंड में चलते हैं, एंड यहाँ से हम इसको रखेंगे स्क्रीन। आप लाइटन भी रख सकते हो, जो मर्जी रखे आप रख लेना, ठीक है, बस ये कि ब्लैक वाला जो एरिया ना गायब हो जाना चाहिए। देन आपको उसको आई के ऊपर इस टाइप से लगा देना, एंड उसके बाद रिजल्ट टूल में जाना है, एंड रिजल्ट टूल में जाने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देना है। देन आपको यहीं से डुप्लीकेट करके जो है दूसरे वाली आई पे भी लगा देना है, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐड करोगे ह्यू चेंज करोगे यार ज़्यादा मेहनत लग जाएगी ना, तो यहीं से डुप्लीकेट करके दूसरी वाली आई पे भी लगा देना है, एंड एकदम परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पे इतना लग चुका है, इसको करते हैं डन। अब गाइस देखिए, यहाँ पे जो एक ब्लड का पीएनजी भी लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली चलेंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करेंगे एक ब्लड का पीएनजी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक तो बनता ही यार, तो नीचे एक लाइक का बटन है जल्दी से दबा दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, आप देख सकते हैं 1,000 सब्सक्राइबर ही कम है, तो कर दो एंड 30,000 तक हिट कराओ, फिर उसके बाद आपके लिए स्पेशल वीडियो आने वाली है। तो बाकी हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, एंड इसको रख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, एंड इसके बाद हमसे इसका ओपेसिटी जो है थोड़ा सा पे कम कर लेंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी जो फोटो एकदम लग रहा है कि मतलब बंदा जो है कहीं से तो झाक रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है हम सेव करते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि रिटच करके तो और भी ज़्यादा मैं मतलब कि एकदम सेक्सी बनानी ना फोटो को। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लाइट में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट जो है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे एंड जो शेडो जो है इसको इंक्रीज कर देंगे एंड जो ब्लैक्स है इसको कम कर देंगे। फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से हम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ाएंगे एंड जो मिक्स में जाएंगे ऑरेंज कलर लेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे एंड जो सैचुरेशन है कम कर देंगे थोड़ा सा इसको। फिर क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे येलो कलर में, अब इसको थोड़ा सा ऑरेंज कर देते हैं यू को प्लस की तरफ करके एंड जो डार्क ब्लू है इसका सैचुरेशन माइनस एंड उसके बाद चलेंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ से क्लियरिटी इंक्रीज़ करेंगे ताकि फोटो HD क्वालिटी में लगे। फिर उसके बाद विग्नेट बढ़ा देंगे ताकि जो है फोटो में डार्कनेस आ जाए एंड फोटो जो है और भी ज़्यादा ऑसम लगे। तो मिड टोन का क्या करेंगे, यहाँ से जो है मिड टोन का हम कुछ यहाँ पे इतना प्लस कर लेंगे। फिर जो फीडर है इसको इंक्रीज़ कर देंगे एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड गाइस देख सकते हैं हमारी जो फोटो है यहाँ पे एकदम परफेक्ट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।